जीएसटी हो, टीडीएस हो और टीडीएस हो, ये सारा जो प्राविधान, जो भारत सरकार की जो सोच है, वो चूंकि भिन्न भिन्न तरह के जो टैक्स थे उससे लोगों पर भार, चूंकि लोग जो है जीएसटी के बारे में, नोटबंदी के बारे में गंभीरता से जान नहीं पाए, इसलिए चूंकि विपक्षियों ने, जो विपक्षियों की हिम्मत नहीं थी, आयरन लेडी इंदिरा गांधी, मरु इंदिरा गांधी को कहा जाता था, लेकिन वो आयरन लेडी भी ऐसे डिसीजन को नहीं ले पाई। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का आर्थिक सोच पर ये उनकी भी सोच थी कि अगर अर्थव्यवस्था को संभालना है तो मुद्रा जो चलन में होती है उसको परिवर्तित करना चाहिए, और कांग्रेस में तमाम बार सोचा गया लेकिन उनकी करने की हिम्मत नहीं हुई। भारत सरकार, मोदी जी की सरकार दूरदृष्टि की सरकार है, इनका जो दृष्टि है, संकल्प है, उसके जो भारत कैसे विकसित बने, स्वस्थ भारत कैसे बने, ऐसा सबका साथ सबका विकास कैसे हो, इस दृष्टि से एक अच्छा निर्णय था और अच्छा निर्णय का दूरगामी परिणाम होंगे, और उसी परिणाम के तहत ये जो सरकारी जो आह्वान है अक्टूबर से, वो सही सोच है। और मैंने कहा कि भारतीय सरकार कथनी करनी में इसका फर्क नहीं होता, कागजों पर योजना नहीं होती, कागजों पर निर्णय नहीं होते, ये अमली जमा जमीनी हकीकत को रख करके सरकार आगे बढ़ रही है, और यही कारण है हम 7 राज्यों से हम 1921 राज्यों तक पहुंचने का काम किया है, और आने वाला भी 2018 हो या 19 हो निश्चित हमारी सरकार बनेगी, क्योंकि माननीय अमित शाह जी ने एक विश्व का संगठन का इतिहास रचा है, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी है, और उसका मजबूत कार्यकर्ता बूथ स्तर तक, बस्ती प्रमुख तक, भिन्न भिन्न आयामों तक पहुंचा हुआ है। एबीपी के उन डिशों में जीतने वाले लोगों को भी मैं अपने तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं बधाइयां प्रेषित कर रहा हूं, और अपने एबीपी के संगठन के हुए तमाम उन अपने साथी कार्यकर्ताओं को, और इसलिए अन्य विपक्षियों को भी एहसास हो जाना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी या उसके प्रकल्प एबीपी जैसे संगठन, उन्होंने युवाओं को भी दिखा दिया कि युवाओं की भी धड़कन, उनकी सोच भारतीय जनता पार्टी के साथ है, मोदी जी की सोच के साथ है, क्योंकि मोदी जी एक विश्व पताका फहराने का काम किया है, भारत माँ की जय पूरे विश्व में एक आवाज बुलंद की है, इसलिए इस सरकार को हराने वाला कोई नहीं है। विपक्ष के पास कोई न विकल्प है, न कोई दृष्टि है, न नियत है। भ्रष्टाचार में लिप्त लोग, जात पंथ धर्म की राजनीति करने वाले लोगों के पास कोई चारा ही नहीं है, इसलिए इनकी हवा विपक्षियों की हर चीज पर हवा निकल रही है।